good morning students we are doing history of 11th standard theme second writing and city life today we will read about the uses of writing writing ka prayog this is on page number 35 so we continue the connection between city life trade and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about enmark and merker one of the earliest ruler of uruk इनमर्कर के बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य लिखा गया है जो कि उरेक, उरेक उरेक शहर का राजा था उसके बारे में एक महाकाव्य लिखा गया जो महाकाव्य शहरी जीवन व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंध को दर्शाता है इन मैसोबानियम ट्रेडिशन उर्क वाजा सिटी पार एक्सीलेंस ऑफन नोन सिंपली एज अ सिटी इतने मैसे की परंपरागत कथाओं के अनुसार उर्क एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसको अक्सर केवल शहर कह कर ही पुकारा जा जाता था एनमार्क इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर इन द अर्ली डेज द इन द अर्ली डेज द एपिक ट्रेड वाज नॉट नोन सुमेर में जो व्यापार की पहली घटना को एनमर्कर के साथ जोड़ा जाता है उस महाकाव्य में जो ये महाकाव्य था यहाँ सुमेरियन का उसमें क्या कहा गया कि उन दिनों भी पार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था मर्कर वांटेड लैपिस लर्लीम एंड पीशियस मेटल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी सिटी टेम्पल एंड सेंट हिज मैसेजर आउट टू गेट देम फ्रॉम द चीफ ऑफ ए वेरी डिस्टेंट लैंड कार अराटा एन मरकर जो था वो अपने शहर को अपनी सिटी के टेंपल्स को बहुत सुंदर बनाना चाहता था प्रीशियस मेटल्स और लैपिस लॉजल एक स्टोन है बहुत ही कीमती होता है उसके द्वारा एक अपने सिटी टेंपल को बहुत सुंदर बना जाता था इसलिए उसने अपने एक मैसेंजर एक दूत बहुत ही दूर, दूर प्रदेश डिस्टेंस लैंड जिसे अराटा बोला जाता है वहाँ पर लेने के लिए भेजा द मैसेंजर वाज मैसेंजर ही डिड द वर्ड्स ऑफ द किंग और इस काम के लिए जो वो दूध था वो तैयार हो गया जाने के लिए वहां उसने अपने राजा के आदेश का पालन किया नाइट ही हेवन सन डिवाइन इसमें बताया गया कि रात को बाय नाइट रात को वह स्टार्स के द्वारा दर्शाए रास्ते पर चलता और बाय डे दिन के समय वह जो सन सन रास्ता दिखाता था उस पर चलता रहता ही द माउंटेन रेंजेस एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंजेस ये वह माउंटेन पहाड़ों पर चढ़ा और उतरा भी वहाँ से मतलब पहाड़ों की चढ़ाई भी की उसने पत्थर वो कीमती पत्थर ढूंढने के लिए द पीपल ऑफ सूसा सूसा एक सिटी का नाम है पीपल ऑफ सूसा बिलो द माउंटेन्स्यूटेड लाइक टेनी माइल्स पीपल था सूसा नगर के लोग बहुत छोटे छोटे चूहों की तरह दिखाई देते थे मतलब छोटे छोटे कार के थे उन्होंने छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया उसे फाइव माउंटेन रेंजेस सिक्स माउंटेन रेंजेस सेवन माउंटेन रेंज ही क्रॉस मतलब उसने पाँच छः सात माउंटेन रेंजेस को क्रॉस किया डबिन सेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विथ लैपिस लजली और सिल्वर अब अब्दूत अराटा के मुख्य जो चीफ था अराटा का ऐसे लाजवर्द जो लैपिस लजोली एक पत्थर था उसको लाजवर्द बोलते हैं या चांदी ये सिल्वर नहीं लाश का वहाँ से क्योंकि उसको वहाँ वह जगह मिली ही नहीं एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक बैक एंड फोर्थ इसके बावजूद भी रटा के मुख्य से चांदी प्राप्त करने के लिए गया था जब वो खाली आता उसे लौटना पड़ा कहते ही हैड टू वो मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ मतलब जैसे खाली आती वहाँ से लौटना पड़ा अगेन एंड अगेन कैरिंग थ्रीट एंड प्रोमिस फ्रॉम द किंग ऑफ उर्क और वह मतलब अपनी जो किंग उर्क की जो बार बार वो उसे डरा रहा था उसको कि किंग उर्क ने मतलब धमकियाँ दी है प्रोमिस भी वादे भी किए लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिली अल्टीमेटली दम देंजरग यू वेरी ऑफ माउथ ही गोट ऑल द मैसेजेस मिक्सड अप अंत में क्या हुआ कि वह दो चकरा गया मतलब वेरी ऑफ माउथ चकरा गया वह और अपनी बात की सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया उसने एन मार्कर के जो संदेश थे सबको मिक्स कर दिया द एन मार्कर फॉर्म ए क्ले टैबलेट इन हिज हैंड एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन अब एन मार्कर ने कह रहा है एनमर्कर ने उसके हाथ में एक चिकनी पट्टी की मिट्टी की पट्टी है जिसे को आ, हमने पीछे पढ़ा था कि राइटिंग के लिए एक टैबलेट बना जिससे जो क्ले की बनती थी वो उसके हाथ में दे दिए उस पर कुछ लिख दिए शब्द लिख दिए इन दोज दे हैड टू बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले उन दिनों मिट्टी शब्द लिखने का रिवाज नहीं था मतलब कि इसमें क्या हुआ जो वो मैसेंजर भेजा था राजा ने एन मरकर ने मैसेंजर भेजा था उसे अपने मंदिर को सजाने के लिए पीशेस मेटल लैपिस लज़ोली लेने के लिए भेजा था लेकिन वह नहीं ला पाया और वह मतलब उर्क के राजा को धमकियां भी देता रहा कि उसके एन मरकर ने कहा है कि मतलब उसे वह चीज़ दे, दे। पर वह अपनी बात उसे नहीं समझा पाया शायद और वह अपने सारे मैसेजेस जो अनमरक ने अनमरकर ने दिए थे सारे उसने मिक्स कर दिए और वो अराटा के राजा को पूरी तरह से अपनी बात समझा नहीं पाया इसलिए फिर अनवरकर के पास जब वापस गया अनवरकर ने उसको कह दिया एक चिकनी मिट्टी की एक टैबलेट बना दी जिसे हम क्ले बोलते चिकनी मिट्टी क्ले बोलते जैसे उसे एक टैबलेट बनाकर उस पर कुछ लिख लिख के दिया लेकिन उस समय लिखने का रिवाज नहीं था उस पर गिवन द रिटन टैबलेट द रूलर ऑफ़ अराटा एक्स माइंड द क्ली अब जब उसको उसने मैसेजर्स ने एक रिटर्न टैबलेट्स दी हुई वाली जो मिट, चिकनी मिट्टी पर उसको लिख के दिया था एन मार्कर ने तो वो अराटा जो राजा था वो उसे पे, उसकी पहचान करने लगा द स्पोकन वर्ड्स वर द स्पोकन वर्ड्स व नील्स जो स्पोकन वर्ड्स बोला उच्चारित शब्द क्या था कील यानी की कि केलाकार शब्द थे वो ही फेस वाश फ्राउनिंग ही केप्ट लुकिंग द टैबलेट मतलब उसका जब वो देखता टैबलेट उसका फेस वाश फ्राउनिंग उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती है और टैबलेट के ऊपर ही नज़र गड़ाए गड़ाए रखता है मतलब कि उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगा तो इसलिए वो उस टैबलेट को ही देखते रहते हैं दिस शुड नॉट बी टेकन एज द लिटरल ट्रुथ ये एक वास्तविक सचम नहीं कह सकते इसे बट इट कैन बी इनफोर्ड दैट इन मैसोबानिया अंडरस्टैंडिंग इट वाज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग ये पूरी तरह से सत्य नहीं लिटर तो नहीं है पर फिर भी यह मतलब कहा जा सकता है कि मैसोबानिया के राजा के ने ही प्रथम ट्रेड व्यापार और राइटिंग मतलब लिखने का आ, लिख, लिखने की कला का आरंभ किया दिस पोइम आल्सो टेल अस दैट बिसाइड बीइंग ए मींस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस राइटिंग वाज सीन एज ए साइन ऑफ सप्योरिटी ऑफ मेसोपोटामियम अर्बन कल्चर मतलब इसमें ये पॉइंट हमें ये भी ये महाकाव्य जो हमने पढ़ा इसमें ये भी दर्शाया गया कि वहाँ जो उसमें जो था आ, स्टोरिंग स्टोरिंगफॉर्मेशन इन्फॉमेशन का स्टोर भी किया जाता था स्टोर की जाती थी और फिर सेंडिंग मैसेज मैसेज और वो मैसेजेस भेजे भी जाते थे अब दूर दूर अफार दूर इलाकों में मैसेज भी भेजे जाते थे राइटिंग वाज सीन एज अ साइन ऑफ सप्योरिटी ऑफ मैसोपिटानियन अर्बन कल्चर जो राइटिंग थी मैसोपटानियन कल्चर की क्या थी स्प्योरिटी थी मतलब वो मतलब कि लिखने की कला से मैसों भटाने की भव्यता का पता लगता है स्प्योरिटी का पता लगता है मतलब इस कहानी में क्या हुआ कि एक जो एनमर्कर का एक रूलर था उसने मतलब ही पहले व्यापार और लेखन की कला का शुरू किया उस, उसने अपने मैसेंजर को एक पट्टी पे कुछ लिख के भेजा लेकिन उस समय लिखने का रिवाज नहीं था और उसने ही अकेले ये लिखने की कला का शुरू किया तो इससे क्या पता लगा कि जो राइटिंग थी मैसोपोटानिया की उसकी मैसोपोटानिया के क्षेत्र की भव्यता को प्रदर्शित करती है ओके स्टूडेंट इट्स इनफ हैव एन हिस्ट्री